बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकें वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। मेरी मंजिलें मेरे करीब हैं, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी ज़िंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियाँ घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और ज़रा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हज़ारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला, उस माँ के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म, डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा ज़रूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। हालातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। संबंध आत्मा से हो तो दिल नहीं भरा करते। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले
अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो। जलील न किया करो किसी फकीर को ए दोस्त, वो भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है।